सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क इख्तियार किया। मीर तकी मीर का ये शेर सुने अरसा गुजर गया, लेकिन इस मजार पे आके इस शेर का मतलब आज समझ आया है। नाजरीन, 19वीं सदी के आगाज में पंजाब के शहर सरगोधा के एक कस्बे हुजन के मजहबी हिंदू घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम नंद लाल था। मजहबी हिंदू खानदानी पस मंजर की वजह से बचपन से लेकर जवानी तक कस्बा के धर्मशाला में राम राम करते वक्त गुजारा। लेकिन एक रात सोते वक्त उसकी जिंदगी में एक मौजज़ा सा हो गया। नंदलाल ख्वाब में देखता है कि वो सोया हुआ है। अचानक एक दरवेश सिख उम्र रसीदा सफेद दाढ़ी वाला खूबसूरत बुजुर्ग उसको ख्वाब गफलत से जगाता है और उसे कलमा शरीफ पढ़ाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, बेटा आज से तू मुसलमान है और इश्क हकीकी में आज से तू मेरा हमसफर है। इस धर्मशाला से दूर फिराने में तेरा खलवत खाना है, जा और इश्क खुदा की आग में जलकर कुंदन हो जा। सुबह आँख खुलते ही अपना बुरिया बिस्तर लिया और इसी तयशुदा जगह को अपना खलवत खाना बना लिया और याद इलाही में ये कलंदर मस्त हो गया। खलवत नशीनी के दौरान वही ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग से हकीकी मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये बुजुर्ग हादी अहमद यार थे, जो मशहूर सूफी बुजुर्ग महाराजुद्दीन गोदड़ी के दामाद भी थे। नंदलाल उनको रूहानी उस्ताद मानते थे और उनसे रूहानियत का दर्स भी लेते थे। नंदलाल जिक्र इलाही के अलावा खेती बाड़ी किया करते थे और फूलों की देखभाल किया करते थे। लोगों से बहुत कम मिलते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इस बात पर झगड़ा हुआ कि हिंदू अपने मजहब के मुताबिक जलाना चाहते थे, लेकिन मुसलमान उनको जनाजे के बाद दफन करना चाहते थे। पंचायत ने इस बात पर अपना फैसला सुनाया कि जिस शख्स ने इसको कलमा पढ़ाया है वो और चार लोग उसकी गवाही दे दें तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक जनाजे के बाद उसकी तदफीन की जाएगी। इसके बाद बुजुर्ग हादी अहमद यार को पहाड़ी इलाका से बुलवाया गया और चार मकामी लोगों ने इस शख्स के मुसलमान होने की गवाही दी। फिर बुजुर्ग की तदफीन की गई। इसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर उसकी इस्लामी और हिंदू फन तामीर के मुताबिक मज़ार तामीर किया। मज़ार के गुंबद के ऊपर इस्लामी हलाल का निशान जबकि नीचे हिंदू मजहबी नंबर 376 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अच्छाई को सीखो और उसको फैलाओ। इसके नीचे 786 लिखा है, जिसका मतलब कलमा शरीफ है। और सबसे नीचे इस बुजुर्ग का इस्लामी नाम शहनशाह गोदरशाह सरकार लिखा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो मुझे काफरों में गिनते हैं जो नहीं जानते खुदा क्या है। अगस्त 2006 को शहनशाह गोदरशाह सरकार के पोते सुदर्शन लाल शर्मा इंडिया से तशरीफ लाए और मज़ार की दोबारा ताज़ीनो आरायश की।
साथ ही एक मस्जिद तामीर की गई है और बुजुर्ग का खलवत खाना मौजूद है और उनके हाथ से बनी चारपाई भी मौजूद है। बुजुर्ग हीर वारिस शाह का सूफी कलाम बहुत शौक से पढ़ते थे और जुल्फे जंजीर किताब के मुसन्नफ भी हैं। मज़ार के साथ कब्रिस्तान भी उनकी ही ज़मीन पर मौजूद है। बुजुर्ग का मज़ार सूबा पंजाब के दो अजला सरगोधा और मंडी बहाउद्दीन के संगम में मौजूद गांव गढ़ कायम में वाक़े है, जहां हिंदू मुसलमान और सिख जायरीन इस्लामी के लिए इंडिया और अंदरून पाकिस्तान से तशरीफ़ लाते हैं।